लूट का खुलासा, तीन आरोपी गिरफ्तार। बड़ी खबर संभल से सामने आ रही है। गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र में दो दिन पूर्व साथ काम करने वाले कर्मचारी की बाइक पर जा रही थी महिला के साथ दो बाइक पर सवार चार लोगों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। तमंचे की नोक पर 11,000 रुपए और गले के चैन और कुंडल लूट कर हो गए थे फरार। तीन लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे लूटी गई रकम से 3,500 रुपए और सोने के कुंडल बरामद किए गए हैं। गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र में बबराला रजपुरा रोड पर गांव मेहुआ के निकट दो दिन पूर्व यारा फर्टिलाइजर एनजीओ में ड्यूटी करने जा रही अपनी बाइक सवार साथी के साथ महिला कर्मचारी से दो बाइक पर सवार चार बदमाशों ने तमंचे की नोक पर 11,000 रुपए और गले की चैन और कुंडल लूटकर फरार हो गए थे। कोतवाली पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। एसपी चक्रेश मिश्रा ने खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस ने लूट की घटना में शामिल तीन बाइक सवारों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे लूटी हुई रकम से 3,500 रुपए और सोने के कुंडल बरामद किए गए हैं। इन लुटेरों से दो तमंचा और दो बाइकों को बरामद किया गया है। अभी एक साथी फरार है, जिसको कोतवाली पुलिस शीघ्र ही गिरफ्तार करने की कोशिश करेगी। गिरफ्तार तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। थाना गुन्नौर के अंतर्गत 3/11/22 को एक महिला के साथ चार अज्ञात युवकों के द्वारा लूट की गई थी, जिसमें कुछ पैसे व सोने के आभूषण लूटे गए थे। पुलिस के द्वारा इस घटना में त्वरित वर्कआउट करते हुए तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम सोनू निवासी थाना रामघाट जनपद बुलंदशहर, सत्यन निवासी थाना अतरौली जनपद अलीगढ़, दिनेश निवासी थाना आहार जनपद बुलंदशहर हैं। इस अंतरजनपदीय गिरोह के द्वारा महिला के साथ लूटे गए सामान में से कुल 3,400 रुपए व कुंडल बरामद किए गए हैं। इनके पास से दो अदद तमंचे तथा दो मोटरसाइकिल जो इन्होंने घटना में प्रयोग की थी उसको भी बरामद किया गया है। इनका एक साथी अभी फरार है। इसमें से एक व्यक्ति को पकड़ने में आम जन के द्वारा भी सहयोग किया गया। पुलिस के द्वारा इन सभी अभियुक्तों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए आगे गैंगस्टर की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अभी इनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेजा जाए।